ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। खंडवा की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में नर्मदा घाट पर स्नान और नाव पर प्रतिबंध लगाने पर नाविकों में आक्रोश है, जिन्होंने विधायक के साथ कलेक्टर से मुलाकात की और प्रतिबंध हटाने की मांग की। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जहां हादसों के कारण घाटों पर स्नान व नाव संचालन बंद कर दिया गया है। देश भर से ओमकारेश्वर पहुंचने वाले श्रद्धालु यहां के 3 मुख्य घाटों पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं। इस फैसले से नाविकों में भी आक्रोश है, जिसे लेकर नाविक विधायक के साथ कलेक्टर से मिले। नाविकों का कहना है कि सिर्फ नाव संचालन से ही हादसे नहीं होते, बल्कि NHDC और ओमकारेश्वर डैम प्रबंधन के लापरवाही से हादसे हो रहे हैं। आज हम लोग ओमकारेश्वर के मामले को लेकर आए हैं। हादसे और इस प्रकार के हुए और पहले भी हादसे हुए हैं, ये सब संज्ञान में लेकर प्रशासन ने वहां तात्कालिक नाव बंद करा दी। अब नाव काफी लंबे समय से बंद है, क्योंकि सवाल नाविकों की रोजी रोटी का भी है और शासन को भी चिंता है कि वहाँ इस प्रकार के हादसे न हो। उसके लिए अभी बीच का रास्ता निकला, मेरी भी उनसे चर्चा चल रही थी और आज हमारे नाविक लोग आए हैं। हमारी नाव का संचालन अभी 8-15 दिन से बंद है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने सारे घाटों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, श्रद्धालुओं को स्नान के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया और नौका संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस विषय में हम कलेक्टर साहब से पुनः मिलने आए हैं। एक नाव का संचालन से ही दुर्घटना नहीं हो रही, इसके सबसे बड़ा जवाबदार है NHDC डैम प्रबंधक, जिसके वाटर लेवल कम हो जाने से या बढ़ जाने से ये घटनाएं बढ़ती है। अभी आपको विगत दिवसों में जो एक दुर्घटनाएं हुई थी, उसी के मद्देनजर नौका का जो संचालन है वो भी रोका गया है और उसमें जो नाविक संघ के प्रतिनिधि मंडल आया तो उनसे यही बताया गया कि आप सभी लोग जो भी सुरक्षा के जो मापदंड है उसको पूरा करें, हमारी टीम उसको रैंडमली चेक करेगी और उसके बाद ही कुछ घाट को छोड़कर जहां पर स्नान और नौका का जो संचालन प्रतिबंध किया जाएगा। प्राय ये घाट वो हैं जहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में जो दुर्घटना हुई है, जहाँ पर नदी किनारे उन घाटों किनारे गहराई ज़्यादा है, जैसे चक्रतीर्थ है, कोटी तीर्थ है और अपना जो ब्रह्मपुरी है। तो अभी यही बोला गया है कि अभी जो दूसरे घाट है जहाँ जिसके किनारे गहराई कम है, वहाँ से स्नान और जो नौका संचालन हो पाएगा, बशर्ते कि वो सारी शर्तों को पूरा करते हो। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।